साहित्य व ज्ञान के पावन नगरी के नमन करी छे। आप सभी मिथिला वासियों के अभिवादन करी छे। एक लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री के रूप में और लोकप्रिय सांसद के रूप में जिनका मार्गदर्शन देश को मिलता रहा और इस क्षेत्र के विकास के लिए जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है और इस बार पद्म पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया है, हमारे परम सम्मानीय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री हुकुमदेव नारायण यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और माननीय विधायक श्री मिथिलेश तिवारी जी, मधुबनी से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सुयोग्य प्रत्याशी श्री अशोक यादव जी, माननीय विधायक श्री जीवेश कुमार जी, पूर्व विधायक श्री हरिभूषण बचौल जी, पूर्व विधायक श्री रामनिवास प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री घनश्याम ठाकुर जी, लोकसभा के प्रभारी श्री मुरारी मोहन झा जी, मंडल अध्यक्ष श्री अजीत प्रसाद जी और इतनी भारी संख्या में मधुबनी लोकसभा सीट से उपस्थित इस क्षेत्र में सभी भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के जनता दल यूनाइटेड हो या फिर लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं मिथिला की इस धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं। वास्तव में बहुत लंबी विरासत इस धरती ने देश को दिया है, दुनिया को दिया है। कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में और मिथिला वासियों के साथ तो वैसे भी हम लोगों का एक भावनात्मक रिश्ता है। ये रिश्ता इस बात को गवाह है कि हजारों वर्षों के बाद भी अयोध्या और मिथिला को जोड़ने का जो माध्यम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने बनाया था, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब मैंने कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के द्वारा फैलाए जा रहे सांप्रदायिक वायरस का एंटीडोज दिया मैंने बजरंग बली के रूप में, तो मुझे चुनाव आयोग ने प्रतिबंधित कर दिया। मुझे आश्चर्य होता है कि लोग कुछ भी बोलें, अगर हम भी अपनी बात बोलने लग जाते हैं तो हमें सांप्रदायिक कहते हैं। लोग आतंकवाद के पक्ष में बोलें तो मानवतावादी होते हैं, हम आतंकवाद को समाप्त करने की बात करते हैं तो सांप्रदायिक हो जाते हैं। हम सर्व समाज की बात करते हैं, सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं तो लोग हम पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हैं। लेकिन सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले जो लोग हैं, वे लोग जाति, क्षेत्र, भाषा, मत और मजहब के आधार पर समाज को छिन्न भिन्न करने की कुत्सित चेष्टा करते हैं, वे अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहकर के समाज की आंखों में धूल झोंकने का कार्य करते हैं। और भाइयों बहनों, मैं आप सबके सामने इसलिए आया हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार का, अयोध्या और मिथिला का जो संबंध है, हजारों वर्षों की इस विरासत को जब दुनिया ने आंखें नहीं खोली थी,
जब दुनिया अंधकार में डूबी हुई थी, जब दुनिया के अंदर कहीं भी कोई सुरपकाहट मनुष्य क्या किसी के प्रति नहीं था, तब धरती मानवता के कल्याण के मार्ग पर चल करके अनेक ऋषियों की परंपरा को, गौतम ऋषि हो, याज्ञवल्क्य की पवित्र भूमि हो, अहिल्या के उद्धार की भूमि हो, या फिर यह संस्कृत के महान विद्वानों की परंपरा से जुड़ी हुई भूमि, और आधुनिक भारत में भी देश की संसद को अपनी वाक शक्ति से सुशोभित करने वाले आपके सस्सी सांसद के रूप में सुहोगन देव नारायण यादव की कर्म भूमि हो। भाइयों बहनों, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले 1.5-2 महीनों के दौरान भाइयों बहनों, मुझे पूरे देश के अंदर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, हमारे पास 80 लोकसभा सीट हैं। 80 लोकसभा सीटों के साथ साथ देश के अंदर भी अनेक राज्यों में मैं गया, बंगाल में गया, उड़ीसा में गया, असम में गया, त्रिपुरा में गया, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और चारों ओर एक ही उत्साह, एक ही उमंग, एक ही तमन्ना, जिससे पूछो जवान से, बुजुर्ग से, महिला से, पुरुष से, जिससे पूछो क्या होना चाहिए, हर एक के मुंह पर एक ही आवाज होती है कि फिर एक बार मोदी सरकार, यानी मोदी सरकार फिर से एक बार आए, ये देश की आवाज बन चुकी है। और भाइयों बहनों, देश के अंदर जब कोई बात जन आंदोलन बनती है तो अपने आप में एक आंधी होती है, एक सुनामी होती है, और आंधी और सुनामी तो हर एक खरपतवार को बहा करके लेके चली जाती है। और मेरा मानना है, वर्तमान चुनाव में कांग्रेस हो, आरजेडी हो, या इनका गठबंधन, महागठबंधन, ये सब मोदी जी की आंधी में सब उड़ करके चले जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा कि ये लोग भी कहीं चुनावी मैदान में हैं। और यही मैं मिथिलावासियों से कहने के लिए आया हूं, मिथिलावासी कभी गलत नहीं करता, मिथिलावासी कहीं गलत कदम नहीं उठाएगा, अपनी सुरक्षा के प्रति, देश की संप्रभुता के प्रति, और भारत की 130 करोड़ की आबादी के सम्मान के प्रति हर भारतवासी जैसे सचेत है, सक्रिय है, वैसे ही मिथिलावासी भी उसी ओज और उसी तेज के साथ आज यहां पर दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, आज जो देश के अंदर मोदी के बारे में आम जन की जो एक आवाज बन चुकी है, अचानक नहीं बनी, मोदी जी ने इसके लिए कार्य किया, परिश्रम किया। 2014 में जब मोदी आए थे तो मोदी जी के साथ केवल उनका नाम था, उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर या किसी अन्य क्षेत्र में मोदी जी ने क्या काम किया, उस समय लोगों को जानकारी नहीं थी, लोग सुनते थे और एक बात को सुनते थे कि मोदी जी ने गुजरात को आधुनिक गुजरात में बदल करके देश के सबसे संपन्न राज्यों की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया। जिस गुजरात में व्यापक अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, आतंकी हमले होते थे, राम भक्त कार सेवकों की ट्रेनें जला दी जाती थी, उस गुजरात में ऐसी शांति और ऐसा शांति पसरा कि आज गुजरात देश का सबसे समृद्ध राज्य हो गया। उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के अन्य राज्यों का जो युवा गुजरात में देखता था,
कि गुजरात विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है, वह उस ऊंचाई पर हमारा राज्य भी पहुंचे, इस भाव के साथ सबने मोदी जी का समर्थन किया। और भाइयों बहनों, 5 वर्ष का कार्यकाल बहुत बड़ा कार्यकाल नहीं होता, 5 वर्ष बहुत बड़े कार्यकाल के नहीं होते हैं, लेकिन मोदी जी ने 5 वर्ष में देश को दिखाया है कैसे तस्वीर बदली जा सकती है, कैसे 5 वर्ष के दौरान आम जन के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है, कैसे योजनाओं का लाभ देश के अंदर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए कैसे पहुंचाया जा सकता है, यह किसी ने करके दिखाया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने करके दिखाया है, और यही तो अपील करने के लिए आए हैं कि मोदी जी का 5 वर्ष का कार्यकाल कांग्रेस के 55 वर्ष के कार्यकाल पर भारी है, मोदी जी का 5 वर्ष का कार्यकाल कांग्रेस और उसके गठबंधन के 55-60 वर्षों के कार्यकाल पर भारी है। जो कार्य लोग नहीं कर पाए, जो कार्य कांग्रेस के लिए, आरजेडी के लिए मुमकिन नामुमकिन था, किसी गरीब को आवास मिलना है, ये लोग कहते थे पैसा नहीं है, किसी गरीब को विद्युत का कनेक्शन मिलना है, इनके पास पैसा नहीं है, किसी गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन मिलना है, इनके लिए वह भी नामुमकिन था, गरीब को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिले ये भी इनके लिए नामुमकिन था, लघु और सीमांत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिले, 6,000 रुपए साल में किसान के खाते में आ जाए, ये उनके लिए नामुमकिन था, गरीबों के भी बैंक में खाते खुल जाएं, ये इन लोगों के लिए नामुमकिन था, लेकिन हर गरीब को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ 1 वर्ष में एक गरीब परिवार को मिल जाए, जो कार्य कांग्रेस के लिए और अन्य दलों के लिए नामुमकिन था, वह कार्य मोदी ने मुमकिन कर दिया। नामुमकिन अब मुमकिन है, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी हैं तो मोदी जी ने उसको मुमकिन कर दिया। 5 वर्ष में 1.5 करोड़ गरीबों को मकान दे देना, और मोदी जी का वायदा है 5 वर्ष और आने दीजिए, 2022 तक हर गरीब के पास, जिसके पास मकान नहीं होगा उसके पास अपना मकान होगा, सरकार उसको मकान बनाने के लिए पैसा देगी। 5 वर्ष में 4 करोड़ गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन, 7 करोड़ गरीब महिलाओं को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन, 9.5 करोड़ गरीबों को एक एक शौचालय, 12.5 करोड़ लघु और सीमांत किसानों को 6,000 रुपए सालाना देने की व्यवस्था, और चुनाव के बाद जब 23 मई को फिर एक बार मोदी सरकार आएगी तो भाइयों बहनों 5 एकड़ की सीमा समाप्त होगी, हर एक किसान के खाते में 6,000 रुपया आता हुआ दिखाई देगा। तब भेदभाव नहीं, सबको मिलेगा। और 60 वर्ष के बाद लघु और सीमांत किसान को पेंशन भी मिलेगी, छोटे व्यापारियों को भी पेंशन मिलेगी। यह कार्य कोई करने जा रहा है तो कौन करने जा रहा है? मोदी, मोदी जी की सरकार। 15 करोड़ नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंडअप की योजना, स्टार्टअप की योजना में आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का कार्य, और 37 करोड़ गरीबों के बैंक में खाते खोल करके, आप सोचिए अगर गरीबों के खाते नहीं खुले होते, किसानों के खाते नहीं खुले होते,
क्या मोदी जी दिल्ली से उनके खाते में पैसा भेज पाते? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा बहुत सारे किसानों के खाते में आ गया होगा, थोड़ा हाथ खड़ा करिए, किन किन के हाथ तो देखिए बहुत सारे किसानों के खाते में पैसा आया है। और जो लोग बचे हैं विश्वास करिए 23 मई के बाद उनके खाते में भी पैसा आएगा, साल में 6,000 रुपये, 2,000 की 3 किस्त साल में उनके खाते में स्वयं आएगी। ये पैसा आपके खाते में इसलिए आ रहा है क्योंकि मोदी जी ने आप गरीब का खाता खुलवा दिया बैंक में। पहले क्या होता था, स्वर्गीय राजीव गांधी जी क्या कहते थे, 100 रुपया भेजता हूं, गरीब के पास 10 ही रुपया पहुंचता है, ये 90 रुपया कहां जाता था, कांग्रेस के दलाल सब खा जाते थे, गरीब को मिलता ही नहीं था, पैसा सब दलाल खा जाते थे। और मोदी जी ने कहा अगर 6,000 रुपया भेजूंगा तो 6,000 रुपया सीधे गरीब के खाते में जाएगा, कोई बीच में दलाली नहीं होने दी जाएगी। यही अंतर है, कांग्रेस के समय में दलाल हावी थे, मोदी जी की सरकार के समय गरीब हावी है, गरीब का हक कोई मार नहीं सकता है। भाइयों बहनों, 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की गारंटी देना, बिहार के लोग आते हैं उत्तर प्रदेश में, बहुत सारे गरीब परिवार आते हैं और आज जब अपना आयुष्मान भारत का कार्ड दिखाते हैं या प्रधानमंत्री मोदी जी का पत्र दिखाते हैं तो उनका फ्री में उपचार हो जाता है। ये है, ये कार्य कांग्रेस भी कर सकती थी, लालू जी की पार्टी भी कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। कांग्रेस हो या फिर अन्य दल, इन लोगों को जनता से सहानुभूति नहीं, इनके सहानुभूति तो आतंकवादियों से है। आपने देखा होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र उठाकर के थोड़ा देखिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है कि अगर सत्ता में आएंगे तो देशद्रोह की धारा समाप्त करेंगे। कांग्रेस कहती है सत्ता में आएंगे तो भारत का बहादुर जवान जो कश्मीर के अंदर और पूर्वोत्तर के भारत के अंदर आतंकवादियों से जूझ रहा है, देश के दुश्मनों से जूझ रहा है, कांग्रेस कहती है कि सैनिकों के अधिकार समाप्त कर देंगे, यानी आतंकवादियों को अधिकार दे देंगे। क्या आपको ये स्वीकार्य है? सेना मजबूत होनी चाहिए या कमजोर होनी चाहिए? देश की सेना मजबूत होगी तो ही तो हमारी सुरक्षा होगी। और इसलिए भाइयों बहनों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन है जो सेना को मजबूत करना चाहती है और दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके सहयोगी दल हैं जो सेना को कमजोर करना चाहते हैं। हम आतंकवाद को समाप्त करना चाहते हैं, ये लोग आतंकवाद को बढ़ाना चाहते हैं। हम गरीबों के लिए योजनाएं दे करके उनके जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं, गरीब को मकान देना चाहते हैं, हम गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन देते हैं, हम गरीब को राशन कार्ड देते हैं, हम लोग गरीब को शासन की सारी सुविधाएं देकर के मुफ्त में उपचार की व्यवस्था भी देते हैं। ये लोग गरीब को गरीब ही बने रहने देना चाहते हैं क्योंकि गरीब अगर गरीब रहेगा तो ही कांग्रेस और RJD आपको तभी तो भुना पाएगी, यही तो लोग करना चाहते हैं। और यही अंतर है, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बड़े बड़े कार्य, कहीं हाईवे बन रहा है, कहीं वाटरवे बन रहा है, कहीं रेलवे की लाइन बिछ रही है, कहीं मेट्रो की लाइन बिछ रही है, कहीं पर कोई दूसरा बड़ा कार्य हो रहा है, पॉलिटेक्निक बन रहा है, डिग्री कॉलेज बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, विकास की नई नई योजनाओं के साथ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की NDA की सरकार कार्य कर रही है और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा को भी मजबूती प्रदान करने का कार्य। भाइयों बहनों, आतंकवाद से कैसे निपटा जाता है? आपने देखा होगा कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी
और आरजेडी भी उसमें मंत्री थी, आरजेडी भी उसको समर्थन कर रही थी, और तब आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे लोग, और आज आतंकवादियों को बुलेट खिलाई जा रही है। बुलेट आतंकवाद का जवाब कोई देना जानता है? भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हमने आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद को न्यूनतम स्थिति पर पहुंचाया है। विश्वास करिए मोदी जी पर, एक बार फिर से मोदी जी को अवसर दीजिए, भारत की धरती से आतंकवाद, भारत की धरती से नक्सलवाद सदैव के लिए समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। जब आतंकवाद, नक्सलवाद समाप्त होगा तो भारत की ऊर्जा भारत के विकास में लगेगी, भारत समृद्धिशाली होगा, भारत विकास की नई बुलंदियों को छुएगा, भारत में खुशहाली होगी, हर नौजवान के चेहरे पर खुशहाली होगी, हर किसान के चेहरे पर खुशहाली होगी, हर माता बहने अपने को सुरक्षित महसूस करेंगी, हर ओर जब खुशहाली होगी तो होली और दीपावली भी हर रोज मनाने का आनंद आप सबको प्राप्त होगा। और यही तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार चाहती है। कैसे आतंकवादियों के बारे में कार्रवाई होती है आपने देखा होगा, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से। पाकिस्तान पुलवामा की घटना के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान पढ़ा होगा, उन्होंने कहा था हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, और आपने देखा होगा 72 घंटे के अंदर सभी आतंकी मार दिए गए। पुलवामा की घटना के बाद से लेकर के अब तक 44 आतंकवादी ढेर कर दिए गए, और तो और इस आतंकवाद की बिस्बेल कहां है? देखा कि पाकिस्तान के बालाकोट में तुरंत आदेश किया, हमारे बहादुर जवानों ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके सभी कैंपों को नष्ट किया, और कैंपों को नष्ट करके पाकिस्तान की कमर को भी तोड़ने का कार्य कर दिया। आज आप देखते होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण करते हैं भारत में, गर्मी पड़ रही भारत में, लेकिन पसीना छूटता है इमरान खान को पाकिस्तान में। ये है भारत का सौर्य पराक्रम। इस सौर्य पराक्रम पर कौन भारतवासी होगा जो गौरव की अनुभूति न करता हो? सेना के पास क्षमता पहले भी थी, भारत की सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति का भाव सदैव भारत को अपमानित करता था। सैनिकों का सिर काट करके पाकिस्तान लेके जाता था, लेकिन भाइयों बहनों इस बार हमारा विंग कमांडर पाकिस्तान में गिरता है, लेकिन पाकिस्तान डर के मारे 48 घंटे के अंदर उसे सकुशल भारत को सौंप देता है। क्या इससे पहले कभी हुआ है क्या? ये ताकत का एहसास है, ये नया भारत है, न्यू इंडिया है, और ये न्यू इंडिया ऐसा है जो संकल्पित है मोदी जी के नेतृत्व में। 2022 में जब देश अपनी आजादी की हीरक जयंती मना रहा होगा, 75 वर्ष पूरा कर रहा होगा, उस समय कैसा भारत चाहिए? एक ऐसा भारत जो गरीबी से मुक्त हो, एक ऐसा भारत जो आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त हो, एक ऐसा भारत जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, एक ऐसा भारत जहां गंदगी के लिए कोई जगह न हो, एक ऐसा भारत जिसमें किसी के साथ भेदभाव न हो, योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके को मिले, विकास सबका, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं। एक भारत और श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आज मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अपने प्रत्याशियों के साथ में आपके बीच में है। भाइयों बहनों, मिथिला की लाज बचाने के लिए ही मैं आपके पास आया हूं। जब पूरे देश के अंदर एक आवाज आ रही है, और वह आवाज है
मोदी मोदी की। मोदी जी को पूरे देश के अंदर 400 से अधिक सीटें जो मिल रही हैं, ये 400 मन के होंगे। उस मन के में मधुमनी का मन का भी कमल के फूल पर जड़ना चाहिए और एक समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाइए। विद्यापति की ये क्षेत्र भूमि है। संस्कृत के महान विद्वान महान दार्शनिक याज्ञवल्क्य की भूमि है ये, मां अहिल्या की भूमि है ये, गौतम ऋषि की भूमि है ये, और रामायण काल के साथ हम सबको जोड़ते हुए आप देखें ना, भगवान राम जब 14 वर्षों के वनवास के लिए जा रहे थे, सबसे पहला उनका मित्र कौन मिला? केवट मिला था। और उसने भगवान से कहा अरे भगवान, हे राम, आपको अयोध्या से वनवास के लिए भेजा होगा, मैं भी श्रृंगवेरपुर का राजा हूं, आप यहां राजा बनिए, मैं आपके सेवक के रूप में कार्य करूंगा। क्या राम भक्तों के साथ, मैं फिर से बोलना चाहूंगा, क्या राम और केवट की जो मित्रता थी, ये मित्रता का संजीव उदाहरण उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। जब मैं मुख्यमंत्री बना, लोग कहते थे क्या करने जा रहे हैं, हमने कहा सब कुछ करेंगे, चिंता मत करो। और भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले अयोध्या गया, राम जन्मभूमि का दर्शन किया, और मैंने कहा एक दीपावली का आयोजन किससे होता है, पता लगा कि अयोध्या भगवान राम का 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में दीपावली मनाई जाती है। तो मैंने भी कहा कि दीपावली का उत्सव अयोध्या में ही मनाएंगे। दीपोत्सव का कार्यक्रम आपने अयोध्या का देखा होगा, कितनी भव्यता के साथ हमने भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी को पुष्पक विमान से ही फिर से अयोध्या में उतारा था, फिर से उतारा था। लोगों ने कहा क्या करने जा रहे हैं, मैंने कहा श्रृंगवेरपुर में जो निषाद राज की राजधानी थी उसका विकास करने जा रहे हैं। आज 50 करोड़ रुपए की लागत से वहां पर भव्य प्रतिमा भगवान राम और निषाद राज की एक साथ गले मिलते हुए प्रतिमा वहां पर बहुत भव्य प्रतिमा लगने जा रही है और एक नए सिरे से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। लोगों ने कहा कि आतंकवाद उत्तर प्रदेश में भी कुछ कर सकता है, मैंने कहा चिंता मत करिए, उत्तर प्रदेश में तो दो ही नारे हैं, आतंकवाद और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। और हमने पहले कह रखा है कि भाई देखो, या तो उत्तर प्रदेश की जेल होगी या राम नाम सत्य है की तैयारी कर लो, उत्तर प्रदेश में घुसना मत। कितना बड़ा कुंभ का आयोजन हुआ है प्रयागराज में, आप लोग में से कोई गया था प्रयागराज कुंभ में? ओह, पूरा मिथिला ही गया था, देखा होगा कितनी अच्छी व्यवस्था थी, अच्छी व्यवस्था थी ना, गंगा जी में स्नान करने में आनंद आया था ना, और सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था थी ना, क्या कोई किसी के साथ छेड़खानी कर रहा था, क्या कोई वहां आतंकी हमला कर सकता था? हमने एकदम निशाने में लिया था, जहां जिसने गड़बड़ी की नहीं वहां फिर उसकी यात्रा निकालने की तैयारी हुई नहीं। और भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करूंगा, भारत की धरती इस सामाजिक समता की धरती है, भगवान राम सबरी को भी गले से लगाते हैं, भगवान राम केवट राज निषाद राज गुहिय को भी गले से लगाते हैं, भगवान राम के सहयोगी वनवासी थे, गिरवासी थे, और उस समय के उनके सेनापति भी उसी मजबूती के साथ लड़ रहे थे। और मैं यही अपील करूंगा, 1995 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक सामान्य कार्यकर्ता अशोक यादव के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता है। आप अनुमान करिए एक लंबी यात्रा 1995 से लेकर के विगत 24 वर्षों से लगातार लगातार जिसने राष्ट्रवाद के इस अभियान के साथ जुड़ करके कार्य किया है, उनके बाबूजी बाद में आए, बेटा पहले आ गया था, बाबूजी तो पहले समाजवादी थे, लेकिन समाजवादी भी
जयप्रकाश जी और लोहिया जी के साथ में थे, बहुत प्रखर राष्ट्रभक्त। समाज के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कोई विचारधारा गलत नहीं। जब विचारधारा किसी संकीर्णता के दायरे में कैद होती है तो वो खतरनाक होती है। लेकिन जब जयप्रकाश जी के साथ और लोहिया जी के साथ हमारे सम्माननीय हुकुमदेव नारायण जी ने संघर्ष किया था, आंदोलन किया था, कार्य किया था, वो सही मायने में समाजवादी आंदोलन था। लेकिन समाजवादी आंदोलन को भटका दिया इन लोगों ने। जो लोग आज समाजवाद के नाम पर जातिवाद का नंगा नाच कर रहे हैं, समाजवाद को परिवारवाद का पर्याय बना दिया है, जबकि डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश जी सदैव परिवारवाद का विरोध करते थे, वंशवाद का विरोध करते थे। सदैव उन्होंने इस बात को कहा कि ये नहीं होना चाहिए, जातीय संकीर्णता नहीं होनी चाहिए, समाज के बारे में एक सोच होनी चाहिए, विकास की सोच होनी चाहिए, देश के बारे में सोच होनी चाहिए। आतंकवाद का विरोध किया, कॉमन सिविल कोड का, समान नागरिक संहिता का समर्थन किया गया और इस देश के हित में जो होगा उसको आगे बढ़ाने का कार्य इन महापुरुषों ने किया। उन महापुरुषों की अग्रिम सेनापति में श्री हुकुमदेव नारायण यादव जी हैं। लंबे समय तक संघर्ष करते रहे और बाद में जब लगा कि भारत को अब नया भारत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है, तो भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के साथ किस ऊंचाइयों तक उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। किसानों के बारे में जब हुकुमदेव बाबू संसद में बोलते थे, पूरी संसद एक तक होकर के उन्हें नजर, एक नजर होकर के उनको सुनती थी। गरीबों के बारे में, किसानों के बारे में, नौजवानों के बारे में, भारत के विकास के बारे में उनके विचार संसद की लाइब्रेरी में, संसद की प्रॉपर्टी बन गई, एक नजीर बन गई। पूरी संसद एक तक होकर के उनको सुनती है और उस समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आज आप श्री अशोक यादव को यहां पर लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए यहां पर रखा है। विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के गढ़ के रूप में फिर से मिथिला को ले चले। मधुबनी अपनी कला के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने साहित्य के लिए, अपनी समृद्ध परंपरा के लिए फिर से देश और दुनिया के सामने उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। मैं पूछ रहा था हुकुमदेव बाबू से, मैंने एक बात पूछी, मैंने कहा मैंने पूछा गौतम ऋषि के आश्रम का, विद्यापति के आश्रम का, इन सभी क्षेत्रों का। उन्होंने कहा नहीं, हमने लिया है हर एक योजना से, इन सभी के बारे में कुछ ना कुछ करने का कार्य हुआ है। भाइयों बहनों, बहुत बड़ी बात होती है हम अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति कर सके, इस समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ा सके। और इसीलिए आप सब के बारे पास में आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, अयोध्या और मिथिला के संबंधों को जोड़ने के लिए। हम लोग तो अयोध्या से राम जानकी मार्ग लेकर के आ रहे हैं आपके यहां तक, राम जानकी मार्ग के माध्यम से अयोध्या का रास्ता आपके लिए और आसान बनाएंगे। 4 घंटे के अंदर आप अयोध्या पहुंचे, इस प्रकार की स्थिति हम करने की स्थिति में है। और इसलिए आप सबसे अपील करने के लिए आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सुयोग्य प्रत्याशी श्री अशोक यादव को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी मतों से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करने के लिए हम लोग आए हैं। भाइयों बहनों, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को कमल चुनाव चिन्ह पर या फिर हमारे सहयोगी दलों के चुनाव चिन्ह पर पड़ने वाला एक एक वोट मोदी जी को मिलने वाला समर्थन होगा। इसलिए मोदी जी को अगर आप सब प्रधानमंत्री के रूप में फिर से देखना चाहते हैं, मुझे लगता है जो व्यक्ति एक भारत श्रेष्ठ भारत, सुरक्षित भारत और समृद्ध भारत का पक्षधर है, वह मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के रूप में देखना चाहता होगा।